अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं, आज रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय गृह विभाग के साथ एक बैठक करने वाले हैं, कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक की जाएगी। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जुल्फिकार, बहुत अहम इस बैठक को माना जा रहा है, जिस तरीके से प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अहम आज की ये बैठक है। ज्योति, जब जब भी गृह विभाग की बैठक होती है तो उसमें इसी बात को लेकर चर्चा होती है। सबसे बड़ा विषय जो होता है वो होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय। और बीते दिनों अगर देखें, छत्तीसगढ़ में 9 महीने से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को, और जिस तरीके से अपराध को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है और छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े अपराध हुए हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोर दी, चाहे वो बालोदा बाजार कांड हो, पूरे देश भर में चर्चा रही कि कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को भीड़ ने जला दिया। फिर उसके बाद अब सूरजपुर का जो कांड आ गया, सूरजपुर का जो है ना, इसमें एक प्रधान आरक्षक है उसके परिवार की हत्या कर दी जाती है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, और उसके बाद वहां के जो लोग हैं, जो भीड़ है, ये एसडीएम की पिटाई कर देती है। तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हुई है, और ऐसे में आज समीक्षा की जा रही है तो पुलिस अफसर इसमें मौजूद रहेंगे, डीजीपी रहेंगे, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा उसकी समीक्षा करेंगे और इन तमाम विषय पर चर्चा होगी। और इस बात को लेकर भी चर्चा है कि बैठक के बाद हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को जो जो उनके पद हैं उससे विमुख करके उन्हें दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, या रिशफल देखने को मिल सकता है पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में, इस तरीके की भी चर्चा है। लेकिन समीक्षा बैठक में लॉ एंड ऑर्डर का विषय सबसे इम्पोर्टेंट है। जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हम इस मीटिंग से जुड़ा हुआ ताज़ा अपडेट भी आपसे लेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर हाईवे को जाम करेंगे सभी सरपंच। प्रदर्शन को लेकर सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा भी किया है कि आज सड़कों पर करीब 30,000 सरपंच उतरेंगे। अजय हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, अपनी मांगों को लेकर सरपंच अब पूरी तरह से तैयार है, बहुत विरोध के मूड में है। आज 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हाईवे जाम करने की चेतावनी उन्होंने दी है। फिलहाल हम इस खबर पर आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या इनकी मांगे हैं, क्या कहना है सरपंचों का? जी, तो बिल्कुल, जो सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया है और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये बंद का ऐलान किया है। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी तरीके से रास्ते, जो सड़क हैं, उन जो हाईवेज हैं उन पर सरपंच उतरेंगे और उनके साथ कुछ ग्रामीण भी शामिल रह सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का ये पूरा वक्त रहने वाला है और सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को भी कहा है कि 23,000 सरपंच हैं मध्य प्रदेश में, जिनकी अपनी दर्जन भर से ज्यादा मांगे हैं। उन मांगों को लेकर लंबे समय से राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करते रहे लेकिन सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा वो फिर एक बार चरणबद्ध तरीके से ज्योति आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। उसी आंदोलन के तहत अभी जो तमाम सरपंच हैं वो प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम जो जिम्मेदार हैं उनके नाम ज्ञापन देंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से तमाम जितने भी सरपंच वो ये चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं उन पर उनका जल्द निराकरण हो। उन मांगों को लेकर सरकार ने आश्वस्त किया था कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, आने वाले समय में सरकार की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि कई राजनीतिक फैसले उस वक्त सरकार ले चुकी थी और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी, लेकिन तमाम फैसले नहीं होने की वजह से एक बार फिर जो सरपंच है वो आंदोलन की राह पर। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आने वाले समय में ना सिर्फ आंदोलन तेज करेंगे बल्कि अलग अलग स्तर पर चरणबद्ध तरीके से राजधानी भोपाल हाईवेज के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी जो है ये आंदोलन किया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जो ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था है सरपंचों पंचों की वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित होने वाली है, इसके लिए सरकार को निपटने के अपने इंतजाम करने होंगे। लेकिन अभियान परेशानी ये है कि सरपंच जो है आज से हड़ताल और आंदोलन के मूड में है, सबसे पहले नंबर हाईवेज का है, उसके बाद ज्ञापनों का दौर शुरू होगा, उसके बाद देखते हैं इस पूरे मामले में ज्योति की आगे सरपंच जो है किस तरीके का क्या रुख अख्तियार करते हैं। जी, नजर बनाए रखिएगा जय, हम इससे जुड़ी हुई ताजा अपडेट जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो आज काफी